विधानसभा हस्तंत वनशिल्प मंत्री उत्तर ओडिशा बजार में बिक्री होउची नकली संबलपुरी शाढ़ी बुणाकार को ऊपर पड़ी बड़ प्रभाव नकली शाढ़ी बिक्री उपरे नजर रखिंट राज्य सरकार राज्यर घरे घरे लोकों पसंद संबलपुरी शाढ़ी किंतु बजार नकली संबलपुरी शाढ़ी बिक्री होगा द्वारा बुणाकार को ऊपर पड़ी प्रभाव विधानसभा उत्तर की हस्तंत वनशिल्प मंत्री प्रदीप बल सामंत कहते राज्य सरकार बजार में बिक्री होता नकली संबलपुरी शाढ़ी उपर नजर रही नकली संबलपुरी शाढ़ी बिक्री होगा घटना जमापड़ा पर राज्य सरकार तत्परता देखा शाढ़ी बिक्री करवसायी ना केस करने कोर्ट को द्वारा समन कर सरकार व्यवसायी कला व्यवसायी जिके मैंने विषय ना जाने कि टाँग खटेरी से मैंने बिजनेस करुचन जेनटा कि मैंने अलग कलर कम रेट्र सूता के आनिकर से शाढ़ी बनई दौन लोक ना जानपर समबलपुरी बोले समबलपुरी बोलुचन मिल्र गोटे प्रिंट शाढ़ी आसूचे जेनटा कि आम हाथ कम कले टे गारिगार रोचे कि कमटा कण हो कमटा प्रिंट हो तो लोक सफाइत बोल बुझी देचन समबलपुरी शाढ़ी 300-400 टाँवर भी मिलूचे बोलुचन एवं यूट्यूब चेल रे भी समस्ते छाड़ देकर इन मैंने सबको भाइराल करुचन लोक सहित आकर्षित आकर्षण होकर से शाढ़ी के ही यूज कर जेन थी लगी आम मैंने आम परिश्रम भी नहीं पाइबार सेपटे बजार नकली समबलपुरी कपड़ार प्रभाव देखा मिली चिंतार बुणाकार बांध शिल्पी और हस्तंत कारीगर नकली उत्पादन कर फायदा उठाऊँ असाधु व्यवसायी संबलपुरी हाथ बुणा लुगापी मेहर संप्रदायर पूरा परिवार परिश्रम कर तथापि उपयुक्त पारिश्रमिक मिल पार ना एवं पुणी बजार नकली संबलपुरी कपड़ा कम दाम जहाँ जिते मिलू शुणु सुवर्णपुर जिलार बुणाकार मैंने कौन कहते आमको बहुत असुविधा होम बहुत परिश्रम कर मानी करुचु आउ परिश्रम पर आमको ना फायदा हर के आमको बहुत सारा होचे बेपार टे कमी जाऊे डुप्लिकेट शाढ़ी लगे आउ सब डुप्लिकेट सब घिणुचन आउ आम ओरिजिनल को किए ना ध्यान देवार के नकली शाढ़ी व्यवसायी उपर राज्य सरकार कड़ा अभिमुख ग्रहण कर राज्य सरकार को कार्यानुष्ठान ये नकली संबलपुरी शाढ़ी व्यवसायी उपर रोक लगवर केते सफल होता नजर भुवनेश्वर दिव्यज्योति महांती सहित सुवर्णपुर सत्यव्रत प्रधान रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु।